हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल चार्ट ऑफ ट्रेड। आज के वीडियो में हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है एंड हमको कहां पे एंट्री करना है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है IEX का एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ डेली का। देखिए, हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि स्टॉक का प्राइस हमेशा जब भी ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल के अंदर ऊपर जाएगा एंड जब भी नीचे आएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर नीचे की तरफ आएगा। एंड आप देख पा रहे होंगे कि चार्ट में क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड इस चैनल को प्राइस यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखिए, मल्टीपल टाइम प्राइस जब भी इस चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास गया है, प्राइस को रेजिस्टेंस मिला है एंड इस चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास जब भी आया है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिला है। एंड अगर अभी का प्राइस एक्शन देखेंगे ना, प्राइस के लिए अभी जो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन रहा है वो बन रहा है नियर 145-146 जोन के आसपास। देखिए, मेरा प्रीवियसली प्लान था कि अगर IEX शेयर इस चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास आएगा 145 के आसपास, यहाँ पे हमको एंट्री करना था, लेकिन आज जो है ना थोड़ा दूसरा प्राइस एक्शन बन गया है। तो क्या बना है अभी हम डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैं आपको और एक स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अभी दिखाता हूँ, वो हो गया इंडिया बुल रियल इस्टेट का। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है आई बुल रियल इस्टेट का एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ डेली का, उसके साथ यहाँ पे मैं RSI के R कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो नीचे एक ब्लू कलर का लाइन जा रहा है, ये हो गया RSI। अगर आप चार्ट को देखेंगे ना, प्राइस देखिए यहाँ पे एक नया स्विंग लो बनाया था, ये हो गया पहला लो। यहाँ पे देखिए, प्राइस जो पिछला लो था उसको ब्रेक किया, लेकिन देखिए नीचे जो RSI इंडिकेटर जा रहा है ना, वही इंडिकेटर जो है उसका प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया था, जो कि क्लियर कट यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस देखने को मिला था, जो कि ऑलरेडी हम एनालिसिस कर लिए थे। एंड देखिए, प्राइस जैसे ही यहाँ पे हैमर बनाया था एंड हैमर का हाई को जैसे ही ब्रेक किया ना, यहाँ पे देखिए एक कॉन्टिन्यूशन मूव आ गया है। अराउंड 15-16% का यहाँ पे मूवमेंट आ गया है। एग्जैक्टली अभी IEX में हो रहा है। देखिए, प्रीवियसली मेरा व्यू ये था कि अगर प्राइस 145 के आसपास आएगा तो वहां पे लेने था, लेकिन अगर हम आज का प्राइस एक्शन देखेंगे तो देखिए प्राइस यहाँ पे आज एक नया स्विंग लो यहाँ पे बनाया था। ए हो गया उसका पहला स्विंग लो एंड प्राइस यहाँ पे उसका नया स्विंग लो बनाया है। एंड देखिए, RSI जो है ना, उसका जो प्रीवियस स्विंग लो था ना, उसको ब्रेक नहीं किया है, जो कि यहाँ पे देखिए क्लियर कट एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है IEX में। एंड जैसे ही आईबुल रियल इस्टेट में जो प्राइस डाइवर्जेंस क्रिएट किया था एंड वहां पे एक हैमर बना था, एग्जैक्टली देखिए IEX में भी ना यहाँ पे डाइवर्जेंस के बाद देखिए यहाँ पे हैमर बना है। तो मेरा प्रीवियस व्यू था जो 141 में बाय करने के लिए, अभी के लिए लग रहा है कि प्राइस वहां तक नहीं जा सकता है। तो हम IEX को कैसे बाय कर सकते हैं? वेट करना है आज का हाई को ब्रेक करने पर। आज का हाई क्या बना है? यहाँ पे बना है 155.5। अगर प्राइस यहाँ पे 155.5 को ब्रेक करता है, वहां पे हमको एंट्री करना है। एंड स्टॉपलॉस क्या रहेगा? आज का लो क्या बना है? 154.5। सिंपली आज का जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उसका हाई को जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगा, वहां पे आपको एंट्री करना है एंड आपका स्टॉपलॉस रहेगा 150.5 के आसपास। मानिए इस हाई को ब्रेक करने के बाद आपका स्टॉपलॉस हिट हो रहा है ना, वहां पे आप एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिएगा। एंड अगर प्राइस यहाँ पे 145 के आसपास उसके बाद आएगा, वहां पे आपको फिर से रीएंटर करना है, नहीं तो आपका रिस्क क्वांटिटी को मैनेज करके आप होल्ड कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट रहेगा 145 का जोन, जो कि अभी जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा है ना, इस चैनल का लोअर बाउंड्री। देखिए, कोई भी स्टॉक का प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड में चलता है ना, आपको कभी भी अपर बाउंड्री के आसपास बाय नहीं करना है, आपको हमेशा से लोअर बाउंड्री के आसपास बाय करना है, क्योंकि सबसे लो रिस्क देता है चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास। मेरा भी प्रीवियसली भी वही था, 145 के आसपास एंट्री करने के लिए, लेकिन आज जो प्राइस यहाँ पे RSI में डाइवर्जेंस बनाया है, उसके साथ यहाँ पे प्राइस ने एक हैमर बनाया है, तो जैसे ही आईबुल रियल इस्टेट में प्राइस एक्शन बना था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन जाने का प्रोबेबिलिटी है। आपको इस स्टॉक को राडार में रखना है, जैसे ही आज का हैमर का हाई ब्रेक होता है, वहां पे एंट्री कीजिएगा एंड हैमर के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। मानिए आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 145 के आसपास आपको बिल्कुल फिर से रीएंटर करना है। आई होप कि आप आज का एनालिसिस समझ पाए होंगे। उसके साथ आपको एक शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिखाता हूं।
देखिए यहाँ पे किस टाइप का गेम हुआ है। जून 2021, यहाँ पे देखिए FI के पास शेयर होल्डिंग था 36% एंड जून 2022 अभी शेयर होल्डिंग कितना है 20% एंड यहाँ पे देखिए पब्लिक के पास 37.5% था जून 2021 एंड अभी कितना शेयर होल्डिंग है 57.29%। पूरा गेम देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। प्राइस जैसे ही पैराबोलिक कर्व का ब्लास्ट हुआ उसके बाद कंटिन्यूअसली वहां पे FI सेलिंग कर रहे हैं। तो हमेशा से शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस रखिएगा, आपको वहां से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी IX का हम टारगेट क्या रखेंगे, देखिए अभी जो हम यहां पे ले रहे हैं ना ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट यहां पे बनेगा 165 के आसपास। आपका एंट्री बनेगा एबव 155.5 के ऊपर जो कि बना है यहाँ पे आज का हाई, एंड जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 165 एंड 165 को जैसे ही प्राइस चला जाएगा वहाँ पे आपका प्रॉफिट 50% 60% बुक कर लेना है एंड आपका बाइंग प्राइस को आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपका जाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ऑलरेडी आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। क्योंकि 165 के आसपास एक रेजिस्टेंस प्राइस को यहाँ पे मिल सकता है, सिंपली हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं इस RSI डाइवर्जेंस की वजह से। आई होप आज का एनालिसिस आप समझ पाए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।